जेसीबी 3DX स्टारा है प्लस है, बोनट खोल के रखा हूँ आप लोग के लिए दिखाने के लिए। थोड़ा इसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या सिस्टम है आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर देखिए, यहाँ पे जेसीबी 3DX स्टारा प्लस का बैजिन है, स्टारा मशीन है। यहाँ पे क्या चेंजिंग है, यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर दे दिया जो नीचे था, अभी 49 HP का भी उसमें भी ऊपर ही आ रहा है। ये वाटर सेपरेटर फिल्टर है, ये इंटरनेटर है। और आपको इसमें क्या है चेंजिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कम टाइम में आपको लोग को दिखा दूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम है, टाइम मिला थोड़ा मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ। ये ऊपर का जो जाली लगा है, जाली तो अपने से लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर इच्छा है। यहाँ पे जो डीजल प्राइमरी फिल्टर था वहाँ पे हटा के यहाँ पे नीचे दे दिया है, टैंक में दे दिया है। ये डीजल प्राइमरी फिल्टर है, इसमें एक मोटर भी लगा है। ये गाड़ी एयर नहीं लेगा, डीजल ख़त्म हो गया तो गाड़ी बंद हो जाएगा, फिर आप डीजल डालिएगा तो ऑटोमेटिक वो चाबी वन की जगह 2 मिनट रुकेगा तो ऑटोमेटिक आपको डीजल का करेगा, भेज देगा पंप में, पूरा फुल हो जाएगा, गाड़ी एयर नहीं लगा। इस ये क्या है, ये कितना प्लेट लोग को पता नहीं है, किसी को पता हुआ तो भाई उन लोग कोई दिक्कत नहीं, जो नया है उसको पता नहीं है, हम बता रहे हैं। इसका नाम है यूरिन फिल्टर। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ज़्यादा होता तो पेशाब करता है ना, तो इसी तरह ये है। पहले था, आप लोग देखे होंगे नीचे एक पाइप था, इंजन में से डायरेक्ट पाइप आता था, ज़्यादा इंजन ऑयल गर्म हो गया, हीट हो गया तो उसमें बाप आता था, इंजन ऑयल टप टप चूता था। पर इसमें डायरेक्ट उसमें नहीं जाएगा, नीचे नहीं चूएगा, इसमें आएगा, ठीक है। आपका लेवल ज़्यादा कम नहीं होगा, इसमें आएगा, इसमें से फिल्टर होकर फिर उसमें रिटर्न जाएगा, जो खाली उसका जो बाप है ना, जो धुआं है वही नीचे गिरेगा। बाकी इसी तरह फिर उसका काम करता है फिल्टर करना, ये मोबिल जो होता है ना इंजन का मोबिल फिल्टर करता है। इसका नाम है यूरिन फिल्टर। अब बोनट में क्या है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको, खोल के रखा हूँ, इसमें क्या क्या चेंजिंग दिया है। पहले नंबर की यहाँ देखिए, एक तो ए स्टारा एक दिया है, यहाँ पे कंडक्शन इसका कंडेंसर, वही कंडेंसर नाम है इसका, जो ये जाली होता है, कूलिंग वाल होता है, इसको ये क्या है, ये ठंडा करता है। ये डीजल का है, ये कूलिंग कॉइल है, इसमें डीजल ठंडा करता है, ठंडा करके पंप में डालता है, ठीक है। ये इसमें एक स्टारा दिया है, ये तो है, ये हाइड्रोलिक आप लोग को पता ही है, हाइड्रोलिक पहले भी आता था यहाँ पे। और एक कूलिंग वाटर का नीचे है, पहले यहाँ पर आता था, अब नहीं है। एक आप लोग कोई सोचेगा यहाँ पे कूलिंग वाटर कैसे डालेंगे, कम पड़ेगा तो, पर इसमें है ही नहीं यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा सिस्टम है। यहाँ देखिए, दूर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक क्या काम के लिए दिया है, यहाँ से एयर खींच के डायरेक्ट इंजन में डालेगा, एयर खींच के हवा, ठंडा हवा जाएगा इंजन में, ज़्यादा इंजन हीट नहीं होगा क्योंकि BS4 इंजन है, इसको एयर ज़्यादा चाहिए तभी ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे है, ये यहाँ से पाइप होके इसमें जा रहा है, डायरेक्ट ये सिलेंसर में जा रहा है, ये इंजन में, और इधर से भी एक पाइप है, दोनों पाइप से खींच के एयर खींच के इंजन में डालेगा, ठीक है। अगर गाड़ी आपका लोड नहीं ले रहा, नहीं चल रहा है, कहीं ऐसा स्थिति आ जाए तो एयर किनारे निकाल दीजिएगा, तब बराबर एयर लेगा, इसीलिए ये उसका नौबत ना है, इसीलिए ये दिया है। और तो इतना लोग अब किसी को पता होगा भाई, कोई परेशान होगा कि भाई जब यहाँ पे एक वो कूलिंग वाटर का नहीं दिया था कैसे डालेंगे, तो कूलिंग वाटर का भी बता दूँ, नीचे उसका कॉइल है, पर यहाँ पे सिस्टम नहीं है दीहा डालने के लिए। अभी क्या है, पहले होता था कि खोलने पर क्या हाथ मुँह जल जाता, गर्म होता था हाथ मुँह जलता, पर इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। देखिए कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पर है, इसको खोल सकते हैं, इसमें हाथ मुँह नहीं जलेगा क्योंकि इसको खोल सकते हैं गर्म में भी, क्योंकि फाइबर है, और यहाँ खोल सकते हैं, पर मैं नहीं खोलूँगा। वहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से नीचे देखिए, नीचे फ्यूल होकर नीचे जाएगा, पर इसका जो है यहाँ पे डाल सकते हैं कूलिंग वाटर, ठीक है, कूलिंग वाटर यहाँ पर डाल सकते हैं। ये ब्रेक ऑयल का सेम है, इसमें एयर किनर है कि आपको बार बार खोल कर साफ नहीं करना है, ये खोलने के लिए बहुत आपको झंझट होगा, बहुत परेशानी होगा, इतना आसानी से नहीं खुलेगा, ये बहुत परेशान करेगा खोलने के, जब तक इंजन ठंडा होना होगा नहीं तब नहीं खोल सकते हैं इसको, इतना गर्म है। और खोलने के लिए उधर से निकालना पड़ेगा, इधर से नहीं निकालना है, उधर से निकालना पड़ेगा, बहुत परेशान करेगा आपको, कम से कम इंजन ठंडा होने के बाद ही आप खोल सकते हैं उसको। इतना ही है, आप केबिन के अंदर दिखा देते हैं, केबिन के अंदर क्या है, क्या फ्यूचर दिया है, इसमें क्या क्या सिस्टम चेंज है। यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक का सेंसर भी दिया है। पहले क्या होता कि अगर हाइड्रोलिक गर्म होकर चौक हो जाता तो मालूम नहीं पड़ता था, और ब्लास्ट भी हो जाता था। अब इसमें क्या है, ब्लास्ट नहीं होगा इसमें मालूम पड़ जाएगा, इसलिए वायर दिया है ना, इसमें हाइड्रोलिक आपका चौक होगा तो वो मालूम पड़ जाएगा, आपको इंडिकेट करेगा, तो क्या है ब्लास्ट नहीं होगा टैंक में, तो कितना टैंक पहले ब्लास्ट होता था, चौक होने हो जाने के बाद काम कीजिएगा, पता नहीं चलेगा तो ब्लास्ट हो ही जाएगा। इसमें देखिए, ये लोडर के लिए अलग फंक्शन दिया है, बटन दिया है, ये इंडिकेटर का सब लाइट का पता ही है। इसमें स्टारा खाली के ये हाई लो का दिया है,
और ये सीट का है, ये दबा दीजिएगा तो गाड़ी ये बंद नहीं होगा, अभी बंद है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो तो इसको दबा सकते हैं, गाड़ी बंद नहीं होगा। इसको नहीं दबाएंगे तो 5 मिनट के अंदर में गाड़ी आपका बंद हो जाएगा, नहीं कुछ छिड़िएगा तो बंद हो जाएगा। और इसका लिए अगर RPM पे है, इसको लीवर दबाइएगा तो काम करेगा, हाइड्रोलिक काम करेगा।